हेलो गाइज, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। अभी मैं हूँ बूंदी में और अभी आप मेरे पीछे देखिए, यहाँ पर बहुत खूबसूरत नज़ारा देख रहे हैं। और अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये देखिए, यहाँ पर पूरे पहाड़ी इलाका है और ये जो बूंदी है पूरा पहाड़ी इलाके के नज़दीकी बसा हुआ है। यहाँ पर बरसात होती है तो यहाँ का जो नज़ारा है बहुत ही खूबसूरत और विहंगम होता है और काफ़ी पर्यटक यहाँ पर घूमने भी आते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ का थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ कि बूंदी में क्या क्या किस किस जगह पर है, अभी छत पे से क्या क्या नज़ारा यहाँ पर दिखता है। दोस्तों, अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वाली जो छतरी है, ये 84 खंभा हुई छतरी है और ये हमारी छत से आसानी से यहाँ पर दिख जाती है। अभी इसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। चलिए मैं आपको थोड़ा पास से यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिए, कंस्ट्रक्शन का काम अभी यहाँ पर चल रहा है और इसको रिपेयर किया जा रहा है ताकि जो यहाँ पर पर्यटक आते हैं बाहर से घूमने, ताकि उन लोगों को ये जो पौराणिक पुरातात्विक जो पूरी छतरियाँ हैं उनको थोड़ा सा अच्छा किया जाए और उनको देखने में भी अच्छा लगे। इसको 84 खंभों की छतरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके जो ये पिलर हैं, ये खंभे बने हुए हैं, ये गिनने पे कभी पूरे नहीं होते, इसलिए इसको 84 खंभों की छतरी कहते हैं। अगर आप कभी भी इस यहाँ पर आएंगे और इनको गिनेंगे तो पूरा ये कम्प्लीट नहीं होती, पूरे 84 खंभे इसमें आपको गिनाई में ही नहीं आएंगे। और आप यहाँ पर देख रहे हैं पीछे पूरा पहाड़ी इलाका है और सामने वो देखिए वहाँ पर चोटी पे मंदिर नुमा कुछ बना हुआ है और पीछे यहाँ पर भी देखिए इधर भी ये पहाड़ है, तो चारों तरफ ये पहाड़ से ढका हुआ क्षेत्र है। और आप यहाँ पर देखिए आश्रय स्थल बना हुआ है बूंदी का, उस वाले एरिया में वहाँ पर बूंदी का बस डिपो है और वहीं से पूरी बसें लगती है जो कि जयपुर, दिल्ली और अदर एरिया में जाती है। तो ये यहाँ का कुछ नज़ारा ऐसा है। अगर आप कभी बूंदी घूमने आते हैं तो ज़रूर से देखिए यहाँ पर बूंदी का नज़ारा और यहाँ के जो पैलेस हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे पैलेस यहाँ पर हैं। दोस्तों, जब भी आप बूंदी आएँ तो बूंदी ज़रूर घूमें क्योंकि यहाँ पर बार बार से पर्यटक भी आते हैं और काफ़ी अच्छे यहाँ पर पर्यटक स्थल हैं। और यहाँ पर एक तालाब भी है, पुष्प सरोवर तालाब है और 2-3 तालाब और भी हैं। तो जब कभी मैं उसकी तरफ जाऊँगा तो वहाँ का नज़ारा भी मैं आपको दिखाऊँगा। और अब तो ये मेरा जो बूंदी है ये घर जैसा ही माहौल बन गया है और घर जैसा ही यहाँ पर है मेरा, तो मेरा आना जाना यहाँ पर लगा रहता है। और जब कभी भी यहाँ पर मैं आऊँगा तो ज़रूर से दिखाऊँगा कि यहाँ पर किस तरीके के पर्यटक स्थल हैं या फिर किस तरीके के यहाँ पर सरोवर हैं। और ये इलाका पूरा मतलब नमी वाला इलाका है, यहाँ पर थोड़ी सी ठंडक बहुत होती है और कम बादल में यहाँ पर बारिश हो जाती है। अभी आप देखेंगे तो पीछे देखिए यहाँ पर बादल हो रहे हैं और अभी भी थोड़ी बहुत यहाँ पर बूंदाबांदी हो रही है। दोस्तों, अभी वहाँ पर बारिश हो रही है और आपको बिल्कुल वाइट वहाँ पर नज़र आ रहा होगा। और इधर यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पे जो पहाड़ी इलाका है पूरा मतलब पेड़ों से ढका हुआ है और इस कारण से अगर थोड़े बहुत बादल यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर बारिश होना स्टार्ट हो जाता है। और अभी आपको थोड़ी सी हवा की नॉइज़ भी यहाँ पर सुनाई दे रही होगी क्योंकि मैं अभी छत के ऊपर खड़ा हूँ और काफ़ी तेज़ हवा यहाँ पर चल रही है और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी अभी यहाँ पर हुई है। दोस्तों, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि